से. आ, सना जावेद से आ, जो है शुेब मलिक तकरीबन गुजश्त तीन बरस से सना जावेद से उनकी मुलाकातें थी उस वक्त भी जब सना जावेद जो है 2020 में गुलकार व कंपोजर अमर जसवाल के साथ रिश्ता अजदवाज में बन चुकी थी शोहर के होते हुए सना जावेद की एक गेम शो में शुयब मलिक से मुलाकात हुई और शुब मलिक जो हैं वो फ़रन लतीफा में बड़ा इन रहे मॉडलिंग भी करते रहे मुख्तलिफ एड्स भी किए और मुख्तलिफ गेम शोज़ में मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट शोज़ में आपको दिखाई देते रहे तो सना जवेद की ये मुलाकातें कन्जेक्टिव मुलाकातें होने लगें उसी एक शो में पहले तो उसी एक शो में अक्सर और इसका मैं बैकग्राउंड भी बता दूँ कि मेरे पास ये भी इतलात हैं कि जब शुब मलिक से रबता किया जाता था कि आपने इस शो में आना है तो वो शर्त रखते थे कि आप सना जवेद को बुलाएंगे तो फिर मैं शो में आऊँगा और ये एक आध दफा हमारे इदारे में भी ये वाक़ हो चुका है इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी जीतूँ तो तुम्हें पाऊं हारूँ तो पिया तेरी तो ये शर्तें रखना शुरू हो गए जब तो उस वक्त भी हमें जो है ना थोड़ा सा एक खदशा इस बात का कि शायद यहाँ कुछ मामला था लेकिन जब बात होती थी कराची के लोगों से और कराची की ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ आ, आर्टिस्टों थे हमारे जो दोस्त हैं तो कुछ डायरेक्टर्स से तो वो इसलिए उनकी तो नहीं जाती थी कि ऑलरेडी सना जावेद जो हैं वो उमेर जसवाल के रिश्ता इस दवाज में थी, मेरिट थी तो मेरिट थी तो अच्छा ज्यादा जो है वो एक और अदाकारा है बड़ी पॉपुलर अदाकारा है आशा उमर उनके हवाले से जो है अफवाहें अक्सर गर्दिश करती थी कि शुएब मलिक की उनसे बहुत ज़्यादा एकबत है दोस्ती है और शायद कुछ इस तरह की आ, आउट ऑफ कंट्री की मुलाकातें डिस्कस होती थी मगर आ, खोदा पहाड़ और आ, निकला कुछ और तो वो मामला जो था वो इधर शुरू हो चुका था आ, इस बात की भी आ, बहुत पहले सानिया मिर्ज़ा को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी बात है सोशल मीडिया का दौर है सानिया मिर्जा भी एक स्टार है शुएब मलिक जिस तरह से क्रिकेटिंग स्टार हैं और रहे हैं और सानिया मिर्जा भी वर्ल्ड फेम इंटरनेशनल टेनिस स्टार हुई हैं टेनिस के फील्ड की तो सना जावेद के इशू पर आखिरी लड़ाई हुई सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के दरमियान जो आखिरी झगड़ा हुआ जो आखिरी लड़ाई हुई वो सना जावेद के इशू पे कितनी देर पहले ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है ज्यादा वक्त ने परवरिश जरूर की है लेकिन इस वाले मामले को आप तीन से चार माह का अरसा जो है उसके दौरान ये सब कुछ हुआ और मजे की बात ये है कि शुएब मलिक की जब सानिया मिर्जा से पहली मुलाकात हुई तो उसके को बहुत देर बाद इनकी शादी नहीं हुई चंद माह के अंदर अंदर ही इनकी शादी हो गई ये साला साल की मोहब्बत नहीं थी जब इनकी लव मैरिज हुई यहाँ भी मामला इस तरह हुआ लेकिन हैरत की बात यह है कि जब सानिया मिर्जा को ये सारे मामले का पता चला और सानिया मिर्जा ने अपने ससुराल से रबता किया शुएब मलिक एंड फैमिली से रबता किया शुएब मलिक की फैमिली दुबई पहुंची जहाँ सानिया मिर्जा मौजूद थी शुएब मलिक को दुबई उन्होंने बुलाया और बड़ी कोशिश की शुब मलिक की फैमिली ने सानिया मिर्जा के ससुराल ने दोनों के दरमियान सुलह करवाने की दोनों के दरमियान ग़लत फहमियाँ या सही फहमियाँ या साबित शुदा केसेस को दरगुजर करने की एक कोशिश की गई और मनाने की कोशिश की गई मगर शायद पानी सर से गुजर चुका था इसमें जो मेरी इतलात है ना तो कोई शुएम मलिक के रवैये में लचक थी कंटिन्यू करने के हवाले से सानिया मिर्जा के साथ अपना अपनी एजवाजी ज़िंदगी और ना ही शायद आ, सानिया मिर्ज़ा अब मजीद उनके यहाँ जो सोच पाई जाती है बर्दाश्त करना चाहती थी मजीद तो वो मुझे खलील रमान कमर याद आ जाते हैं आपने याद करवा दिया इंट्रो में ही कि खलील साहब ये देखिए आप फिर गिला करते हैं मैनुफेक्चरिंग आप कहते हैं कि फॉल्ट है मर्द के अंदर और मर्द को चीटिंग अलाव है तो यहाँ आप क्या कहेंगे मैं वेट करूँगा बल्कि मैं तो आपको उस दिन दावत भी दे रहा था कि आप आइए तशरीफ़ लाइए और बुशरा मौजूद है इनके साथ बैठिए और इस पर बात करते हैं और आप नज़रसानी करिए अपने फ़लसफे पर कि मर्द जो है उसको चीटिंग अलाव है अपने फ़लसफे पर गौर करिए और यहाँ ये यह हुआ कि मर्द ने चीटिंग की एक घर उजड़ गया दूसरी तरफ औरत ने उस मर्द के लिए डाइवोर्स ली जिसपे मैं अभी आऊंगा दूसरा घर उजड़ गया दो घर उजाड़ के एक घर बसाना ये कौन सी हमत है खलील साहब आपने ये जरूर समझाना है किसी वक्त हमें ना, आप जो हैं वो आ, मेरे पास तुम हो फेम लेजेंड्री हमारे राइटर हैं और आपकी दलीलें और फलसफे हम इन्जॉय करते हैं लेकिन उससे इतफ़ाक़ करना जो है वो ज़रूरी नहीं है yes. तो अब ये है कि अब दूसरी तरफ आ जाते हैं एक तरफ तो शुब मलिक के अहल ख़ाना को ये अंदाज़ा हो गया कि सानिया मिर्ज़ा अब मज़ीद इनके साथ नहीं रहेंगी मगर आज भी जब हम बात कर रहे हैं समा पोडकास्ट में शुएब मलिक की फैमिली ये चाहती थी कि सानिया मिर्ज़ा के साथ अलहदगी ना हो आज भी सही है। ये उस फैमिली की एक पॉजिटिविटी हमारे माशरे की रवायात इकदार और यहाँ के एथिक्स ये वो है। और हमारा कल्चर और बड़ी कोशिश की शुब मलिक के बड़ों ने उनमें उसके बहनोई इमरान ज़फ़र का भी बड़ा रोल रहा पैचअप करवाने की कोशिश में अब आगे बढ़ते हैं अब जब ये सारा मामला हो गया फैमिली दुबई से वापस आ गई शुएब मलिक दुबई से लौट आए सानिया मिर्जा आई थिंक बददस्तूर दुबई वाले घर में मौजूद हैं अपने बेटे के साथ और अपनी फैमिली के शायद कोई एक दो मेंबर्स के साथ जाहिर है कि मुश्किल वक्त होता है इस तरह की सूरत हाल में औरत के लिए टाइम स्पेंड औरत के लिए एग्जैक्ट और बच्चे भी हैं साथ तो अब यह होता है कि आ जाते हैं वापस लौटते हैं इधर अब मामला यह है कि सना जावेद उमेर जसवाल के साथ रिश्ता जजवाज में उधर शुयब मलिक की एंट्री हो चुकी है अब उस घर में जो होना था वो तो हो गया अब इधर उमैर जसवाल पे आते हैं उमैर जसवाल केजदवाजी रिश्ते में एक एंट्री होती है वो है शुब मलिक अब शुब मलिक जो हैं उनके जो है दो पैमा होते हैं सना जावेद के साथ उसके लिए सना जावेद को उमेर जसवाल से छुटकारा चाहिए उधर तो पीटीआई से बल्ला और सानिया मिर्जा से बल्लेबाज छिन गया मगर अब इधर क्या है? इधर कितनी जो है वो मेहनत के साथ और कितनी स्ट्रगल के साथ ये घर उजड़ा होगा सना जावेद ने उमेर जसवाल से डायवोस मांग ली कब की बात है ये? ये दो से तीन माह पहले की बात है बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल ठीक है उमेर सवाल के लिए ये बड़ी एक परेशान कुन और तकलीफ दे बात थी क्योंकि जिस तरह 2010 से 2023 तक और 2022 के जो है वो एंड तक जिस तरह सानिया मिर्जा और श्ब मलिक के अजवाजी रिश्ते के उतार चढ़ाओ नाराजगी सुलह लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत बेटा ये खबरें सामने आती रहीं इधर जो 2020 से 2023 के अख्ताम तक का अरसा है उमैर जसवाल और सना जावेद की कि किसी तरह की चक्लिश की कोई खबर नहीं थी कभी बाहर नहीं आई और इतनी खामोशी से ये तलाक हुई अलहदगी इतनी खामोशी से की गई कि जैसे किसी मुल्क में कोई एटमी मनसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाता चुप करके खामोशी से